हेलो भाई, मेरा फोन फुल जाम है भाई, मैं फुल भीग रहा हूँ, फोन बजा रहा हूँ खाली। समीर का स्पीकर भाई, मैं भी एकदम बारिश है भाई, मैं कुछ भी नहीं कर सकता भाई, अगर बारिश नहीं होती ना मैं कुछ कर लिया होता। मेरा एक हाथ पूरा जाम है भाई छाते की वजह से। मेरे को आईफोन, मैं उन लोग डी के अंदर खड़े ही नहीं रहने दे रहा ना भाई, किसके पास? वो तो उसका ही है ना, असद साहब का ही है पेज भाई, पेज पे लाइक चालू है ना भाई। ओ भाई, ओ भाई, अरे ओ भाई, हेलो बोलो ना भाई। हाँ ओके कर रहा हूँ भाई, ओके कर रहा हूँ। फोन लो, मैं फोन करता हूँ, स्पीकर के पास रखो, मैं लाउड स्पीकर से वॉइस लेता हूँ। मगर यहाँ पर इस विधानसभा में आज आप यहाँ पर बैठे हैं, मुझे मैं कॉल कर रहा हूँ कि आने वाले महाराष्ट्र में हम लोग एक नया इंतराब लिखेंगे, इसका नाम होगा। मुझे यकीन है कि हम अपने इतिहास की ताकत की बुनियाद पर हम यहाँ पर तमाम मुखालिफीन के ऊपर एक बिजली के ऊपर गिरेगी, और जब वे देखेंगे नज़ारों को कि महाराष्ट्र की जनता ने महाराष्ट्र की सबसे बड़ी अकलियत मुसलमानों ने फैसला ले लिया कि हक की बात इंशाअल्लाह ताला अब मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिम के मिले तो यहाँ से जोगेश्वरी से रही कई नस्करिया को कामयाब और अगर आप हम कैमरे के हमसे भाई स्पीकर के पास रखो, मैं अभी बोलना हमारे वजूद से दुनिया में सरजमीन आए और आसमान से मेरा पानी मुझे आए खिला जा सका काबू की ताकत से अगर हमने कभी रास्ते में प्यार किया। मकानों मेरी सरदार माँ और बहनों, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारा वजूद एक हमारा वजूद खोए गुजारा है, हमारे वजूद से दुनिया के लेने छक गए। हम ना कभी सरदारों से डरे, ना हम ताकतों के आगे अपने सर को झुकाए। हमारी जिंदगी इस बात की गवाह है कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे आवाजदार ने अगर किसी के सामने अपने दिल और सर को झुकाया तो वो अल्लाह की धार है जिसके कायनात में लगाया है। लेकिन सरदार महानों नौजवानों आवाज सुना लिया आ रहे, तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार दिल्ली में है और महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे और अजीत पवार की मिली जुली सरकार है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बीजेपी और तमाम सेक्युलर पार्टियों ने मिलकर महाराष्ट्र के पार्लियामेंट इलेक्शन में एक मुसलमान एमपी था, 48 लोकसभा की सीटें थी, कौन क्यों काटे भाई? सबने मिलकर ये कोशिशें की
इम्तियाज जलील को दोबारा पार्लियामेंट में प्रवेश नहीं देंगे। फोन क्यों काट रहे? एक ही वन पॉइंट एजेंडा था कि महाराष्ट्र से कोई भी मुसलमान एमपी बन कर ना जाए दिल्ली को, और मैंने एक एमपी जीत कर आया था महाराष्ट्र से, उस इम्तियाज जलील को हराने के लिए सब एक होकर एक मुसलमान को हराने के लिए और इनकी कोशिशों की वजह से इम्तियाज जलील वहीं से तो रुकने पार्लियामान कामयाब होकर नहीं जा सके। मेरी आपसे गुजारिश है कि जमहूरियत को विधानसभा में अपने इतिहाद की ताकत पर हमको अपने मजलिस पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब और कामरान करना है। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आपको यह याद होगा कि जब कभी भी मजलिस इलेक्शन लड़ती है, मजलिस के खिलाफ ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि मजलिस फलां की टीम है, मजलिस के लड़ने से और काटे जाते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ इल्जाम लगाने वालों से, बताओ इम्तियाज जलील को किसने हराया? फिर बताओ इम्तियाज जलील की कामयाबी रोकने के लिए किस किस ने कोशिशें नहीं की? एक इम्तियाज जलील था जो पूरे महाराष्ट्र के दलितों के, मुसलमानों के, मुस्लिमों की आवाज भारत की लोकसभा में गूंजती थी, और उस एक आदमी को हराने के लिए इन तमाम लोगों ने, तमाम पार्टी से मिलकर एक दूसरे का मंसूबा बनाकर इम्तियाज जलील को शिकस्त देने के लिए उन्होंने कोशिशें की, और इम्तियाज जलील की नाकामी इम्तियाज जलील की इंफरादी नाकामी नहीं है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का एमपी नहीं जीता, ये सिर्फ मजलिस की का नुकसान नहीं है, बल्कि जो नुकसान महाराष्ट्र के गरीब और मजलूमों का है, महाराष्ट्र के गरीबों का है, महाराष्ट्र के दलितों को सम्मानों का है, जिनकी बेबाक आवाज हो। इन तमाम सियासी पार्टियों ने मिलकर जो अपने आप को सेक्युलर भी कहते हैं, जो कॉर्नर भी है, इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोका। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आने वाले विधानसभा और असेंबली के इलेक्शन में आप लोग जमहूरी तरीके से एक एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अपने करिए। जो ताकतें, जो पार्टी हमको इल्जाम लगाते हैं, मेरा उनसे एक ही सवाल है, इम्तियाज जलील को तुमने क्यों हराया? तुमने मिलकर इम्तियाज जलील को हराया। इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा, महाराष्ट्र की हमारी माँ और बहनें, महाराष्ट्र के मेरे मयूर नौजवान इम्तियाज जलील को जो सबने मिलकर हराया, अब इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर दोबारा इम्तियाज जलील को महाराष्ट्र की विधानसभा में भेजाएंगे। तुमने इम्तियाज की आवाज को नहीं, तुमने महाराष्ट्र के गरीबों की आवाज को पार्लियामेंट पहुंचने से रोका, अब इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र की विधानसभा में इम्तियाज जलील जाएगा। किसी की भी सरकार होगी, इम्तियाज जलील तुम्हारी नींद हराम करके रखेगा। लोग हमारे मुखालिफिन जो सेक्युलर पार्टी भी है, बीजेपी, शिवसेना भी है, वो बोलते हैं कि मजलिस अगर जुलूस निकालेगी तो दंगा होगा, मजलिस अगर प्रोटेस्ट करेगी तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा। और हमारे घर में बैठे हुए ऐसे लोग हैं जो यही बात कहते हैं कि नहीं भाई, इंतजार नहीं करना चाहिए, मेरे गबन हो जाएगी। बस अरे सुनो, जो हम पर इल्जाम लगाते हैं, हम अपनी साज के लिए इंतजार नहीं कर रहे थे, हम अपने सियासी फायदे को सामने रखकर इंतजार नहीं कर रहे थे। अगर हमने इंतजार किया तो हमारे सामने हमारी आखिरत थी। अगर हमने इंतजार किया और जो लाखों हजारों की तादाद में फर्जंदा ने तौहीद उस महाराष्ट्र के तारीख इंतजार में शिरकत किए, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए शिरकत किए कि वो इस बात को जानते थे कि दुनिया में मुझे जो कुछ मिला वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और दोपहर में मुझे मिला। जो हजारों की तादाद में लोग महाराष्ट्र के कोने कोने से, तो कोई मोटरसाइकिल पर आ रहा था, तो कोई पैदल आ रहा था, लोगों ने पूछा ये गाड़ियों का काफिला है,
जिसकी कयादत इम्तियाज जली कर रहा है, तो मोटरसाइकिल पर साइकिल पर क्यों आए? तो सब ने कहा कि हम अपने रिश्ते गुलामी को मजबूत करने के लिए आए हैं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम अपनी गुलामी को साबित करने के लिए आए हैं। और सब ने कहा कि हमको तुम मारो, हमको पीटो, हमको जो जुल्म करना है करो, मगर याद रखो मैं उन तमाम लोगों से कह रहा हूँ कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको अल्लाह रहमतुल आलमीन कहकर पुकारा, यानी मर्सी टू द मैनकाइंड। और इस्लाम में आप इस्लाम में तरकीब करो, हमको कोई तकलीफ नहीं होती। आप हमारे इशूज पर तनकीद करो, कोई बात नहीं, मगर एक बात याद रखो, तुम मुझे मेरी उंगली काटोगे, मैं तकलीफ का इजहार करूंगा, तुम मेरा पैर तोड़ दोगे, मैं तकलीफ से रो पड़ूंगा, तुम मुझे पीटोगे, मैं तकलीफ से रो दूंगा, तुम बुलडोजर से मेरे घर को तोड़ोगे, मैं आसमान के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ, मगर जब तुम मेरे दिल पर हमला करोगे तो जिस्म की हर कुर्बानी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, हमारा दिल है, दिल पर कोई हमला नहीं कर सकता। लोग बोले के साथ वो फुला शख्स थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप सलाम रखा। मैं आज से कह रहा हूं कि जिसको अल्लाह ने रहमतुल आलमीन बनाकर भिजाया, अल्लाह ने जिसको मुबशिर कहा, बशीर कहा, अरे आसमान पर धूपने से आसमान पर धूप नहीं जाता, धूपने वाले के चेहरे कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, एक शख्स था मुगीरा बिन वलीद उसका नाम था, वलीद बिन मुगीरा उसका नाम था, वो भी गुस्ताखी करता था। तो पुराने करीब ऐलान कर रहा है कि जो नबी की शान में बकवास बकेगा वो वलदुल हराम है, वलदुल हराम है। इसीलिए ये लोग अपनी गंदी जबान से गंदी बकवास को बोलते हैं। अरे तुम बोल रहे हो तो याद रखो, कानून तो सबके लिए है ना। आप जब बोल चुके तो क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ये सेब देता है, एक नाथ शिंदे उसका साथ दे? क्यों क्यों एक नाथ शिंदे उसका साथ दे रहे हैं? कानून अगर है तो उसको गिरफ्तार करो। हम क्या पूछ रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे कि आसमान से तारे तोड़ कर ला कर दो, हम ये नहीं कह रहे कि चांद से मट्टी ला कर दो, हम ये कह रहे हैं कि कानून का इस्तेमाल करो और उसको जेल को भिजाओ। मगर आज आप देख रहे हैं कि कोई उस पर जितने सेकुलर पार्टीज है सब खामोश सन्नाटा और गूंगे बनकर बैठे हुए हैं, कोई नहीं बोल रहा इसके ऊपर। जब इनका दलील ने ऐलान किया कि जुलूस निकाला जाएगा, इत्तेहाद होगा, तो हमने हर पार्टी के जिम्मेदारों को जिले सतह पर खत लिख कर भिजाया कि आओ इस इत्तेहाद में, ये मजलिस का इत्तेहाद नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के लिए हम निकल रहे हैं, ये नामूस रिसालत का मसला है, इसमें तुम्हारे मेरे सियासी इख्तलाफात हम इसको बाजू रखते हैं थोड़े दिन देर के लिए। मगर कोई सेकुलर पार्टी का भी नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई? हमने कांग्रेस को लेकर भिजाया, राष्ट्रवादी को लेकर भिजाया, समाजवादी को भिजाया, जितने जितने ये सब लोग हैं सबको हक भिजाया इम्तियाज जलील ने कि आओ तुम खियादत करो, इम्तियाज जलील तुम्हारे पीछे चलेगा, मगर कोई नहीं आए। और सबको एक ही एक फिक्र लाहक थी कि औरंगाबाद से इम्तियाज जलील को पुलिस निकलने नहीं देगी,
निकलेगा तो पुलिस अरेस्ट कर लेगी, या अगर जाएगा तो रोड पर गड़बड़ हो जाएगी। याद रखो महाराष्ट्र के मुसलमानों, जब तक तुम इंतजार नहीं करोगे हम अपने मसाइल को हल नहीं कर पाएंगे। तुमने एक कोशिश की, तुमने लाखों की तादाद में निकला, बीजेपी के पांच पांच एमएलए मुख्यमंत्री को प्रशिक्षण कर रहे हैं, मोहम्मद की शान में चिंता की चालू है एल के। एक बात सुनने को मालूम हो गया कि ये आज का मुस्लिम नौजवान, ये आज के भाई और बहने अब तुमसे डरने वाले नहीं है। मराठा रिजर्वेशन के लिए मराठा लोग रोड पर निकल सकते हैं और चक्का जाम कर सकते हैं। जब बैकवर्ड क्लास के लोग अपने मुतालबात के लिए रोड पर निकलकर मुंबई को बंद करा सकते हैं, जब गरीब लोग अपने मनमाने के लिए हकूक को इंतजार कर सकते हैं, जब महाराष्ट्र का किसान हजारों मील चलकर मुंबई आ सकता है, क्या एक मुसलमान अपने नबी की अस्मत के लिए रोड पर नहीं निकल सकता? हम निकल सकते।